वेलकम बैक टू एसटी क्रिकेट क्रिएशन 2.0। दोस्तों 30 सितंबर को एशिया कप शुरू हो रहा है, लेकिन इंडिया सितंबर 2 को अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ये मैच हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, लेकिन टीम इंडिया के लिए एक सबसे बड़े बुरी खबर है। जानने से पहले ऐसे क्रिकेट की न्यूज सबसे फास्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग बात जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। टीम इंडिया के सबसे बड़ा बुरे खबर ये कि चोट से जूझ रहे इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल ने पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात खुद टीम इंडिया की कोच राहुल द्रविड़ ने बताया है। टीम इंडिया की पहला ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ खेलेगा। इसी टाइम में केएल राहुल बैंगलोर की एनसीए कैंप में फिटनेस प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी सितंबर 4 को शुरू होने वाला सुपर 4 में केएल राहुल वापसी करेंगे। उनका जगह में टीम इंडिया की लेफ्ट हैंड विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन मौका दिया जाएगा। इसके साथ संजू सैमसन को केएल राहुल स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ईशान किशन क्या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं या नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद।